की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे खाली स्थान भरें। जैसे हम ब्लैंक्स करते थे ना, खालिस्तान मतलब कि मींस क्या होता है, खालिस्तान मींस ब्लैंक्स, हमको ब्लैंक्स फिल करना है। ब्लैंक्स में जैसे क्या दिया रहता था, उसमें ना स्पेस थोड़ा सा दिया होता था, ब्लैंक दिया होता था, और उसमें जो सही आंसर होता था हमें वो फिल करना होता था, वही हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मदन, मदन, फिर यहाँ पे ये ब्लैंक दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पकड़, मदन, फिर ये खाली स्पेस दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है पकड़। अच्छा ये देखिए, ये है मदन, कौन है ये, मदन, और मदन क्या पकड़ा हुआ है, मदन ने क्या पकड़ा हुआ है, ये क्या है, कलम, क्या है ये, कलम। तो मदन ने क्या पकड़ा हुआ है, कलम। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मदन, मदन से हम क्या पकड़ने को बोल रहे हैं, मदन से हम कलम पकड़ने को बोल रहे हैं, क्या पकड़ने को बोल रहे हैं, कलम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मदन, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पकड़, मदन से क्या पकड़ने को बोला है, कलम। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, कलम। चलिए हम कलम फिल करते हैं, कलम कैसे लिखते हैं देखिए, क ल म, कलम, कलम। तो देखिए मदन कलम पकड़, मदन कलम पकड़, अमन, अमन ब्लैंक माता मत करा कर, अमन फिर स्पेस दिया, स्पेस दिया हुआ है, फिर लिखा है मत कर। देखिए यहाँ पे ना अमन क्या, ये है अमन, अमन क्या कर रहा है, अमन यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे गुस्सा हो रहा है ना, गुस्सा को क्या बोलते हैं, बहस, क्या बोलते हैं, बहस। तो हम यहाँ पे उसकी, देखो यहाँ पे जो उसकी ये कौन है, ये है अमन और ये है अमन की मम्मी। तो अमन, देखो अमन गुस्सा हो रहा है और गुस्से को क्या बोलते हैं, बहस। तो अमन की मम्मी उसे यहाँ क्या समझा रही है, क्या मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्से को क्या बोलते हैं, बहस। तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, बहस, बहस। चलिए हम बहस फिल करते हैं, बहस कैसे लिखाता है, बहस, 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 अमन बहस मत कर, अमन बहस मत कर, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न उत्तर मीन्स क्वेश्चन आंसर, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, उत्तर मीन्स आंसर। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस तो दिए होंगे, उनके हमें आंसर्स लिखना होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उन्हें सीख लेते हैं, बाद में हम उन्हें क्वेश्चंस देंगे, आपको आपको उसके आंसर्स लिखना होंगे। देखिए प्रश्न उत्तर मीन्स क्वेश्चन आंसर्स, उसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उन्हें लिखने से पहले हम ये दो साइन देख लेते हैं। देखिए ये जो साइन देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या बोलते हैं इसे, क्वेश्चन मार्क। पर इसे हिंदी में, अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, तो इसे हिंदी में बोलेंगे हम, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या बोलते हैं इसे, प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण विराम, क्या बोला जाता है इसे, पूर्ण विराम। देखिए जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कहाँ पर मिलेगा हमें, हम जब भी कोई प्रश्न लिखते हैं तो हमें, जब हमारा प्रश्न पूरा लिख देते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह मीन्स क्वेश्चन मार्क। और जब हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर मीन्स आंसर लिखते हैं, जब हमारा आंसर पूरा हो जाता है या वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य मीन्स सेंटेंस, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम ये स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम।
ये दोनों का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब देखिए, ये लिखा हुआ है प्रश्न एक, ये वन लिखा हुआ है, वन को हिंदी में क्या बोला जाता है? एक। तो ये लिखा है प्रश्न एक, ये लिखा हुआ है क्या, आधा का लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, और या में बड़ा की मात्रा लगी हुई है। तो ये क्या हो गया, क्या कर, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मींस प्रश्न एक क्या है, क्या कर। देखिए यहाँ पे जो ये बच्चा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कौन सी पोजीशन में है, ये नमस्कार कर रहा है ना, देखिए है ना। नमस्कार को क्या बोला जाता है, नमन। क्या बोला जाता है, नमन। तो यहाँ पे हम क्या करने को बोल रहे हैं, नमन करने को बोल रहे हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न दिया हुआ है क्या कर, तब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न की जगह लिखेंगे उत्तर एक, उत्तर उ लिखेंगे हम, छोटा उ, फिर डॉट लगा देंगे, फिर एक लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से डैश लगा देंगे, ये डैश लगा देंगे, फिर उस क्या के नीचे हम लिखेंगे नमन, नमन कर के नीचे लिखेंगे कर, कारा कर, और फिर हम लगा देंगे पूर्ण विराम। तो हमारा प्रश्न है क्या कर, उत्तर नमन कर, नमन मीन्स नमस्कार। देखिए नमन किस तरीके से किया जाता है ना, और नमन कैसे लिखते हैं, ना माना, नमन कारा कर, और फिर पूर्ण विराम, क्या कर नमन कर, क्या कर नमन कर। प्रश्न दो, कहाँ तक चल, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ये लिखा है प्रा, ये लिखा हुआ है प्रा, उसके बाद लिखा हुआ है डॉट, उसके बाद दो, दो मीन्स टू लिखा हुआ है, टू को हिंदी में क्या बोलते हैं, दो, उसके बाद डैश, ये हो गया प्रश्न दो। फिर लिखा है का, हा, हा में बड़ा आ की मात्रा, और उसके ऊपर देखिए जो ये इस तरीके से बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं इसको, चंद्रबिंदु। तो ये क्या हो गया, कहाँ, ये क्या लिखा गया, कहाँ तक चल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मींस प्रश्न क्या है, कहाँ तक चल। देखिए ये बच्चा चल रहा है ना, और ये कहाँ चल रहा है, इस बच्चे को यहां तक चलना है, ये क्या है, ये है शहर। क्या है ये, शहर। तो हम कहां तक चलने को बोल रहे हैं, शहर तक चलने को बोल रहे हैं। तो प्रश्न है कहां तक चल, तो उसका आंसर क्या है, शहर तक चल। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊ, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे, और फिर हम टू मींस दो लिख देंगे, ऊ डॉट टू, ये क्या होगा, उत्तर दो, डैश, फिर लिखेंगे हम कहां तक चलने को बोल रहे हैं, शहर तक चलने को बोल रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे शहर। शहर कैसे लिखते हैं, स है र, शहर, स है र, शहर, ता का तक चाला चल, और फिर उसके बाद पूर्ण विराम। देखिए हमें कहाँ की जगह, ये कहाँ लिखा है ना, कहाँ की जगह हम क्या लिख देंगे, शहर, कहाँ की जगह क्या लिख दिया हमने, शहर, और फिर तक के नीचे तक लिख देंगे, चल के नीचे चल लिख देंगे, और फिर लास्ट में उत्तर में क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम, कहाँ तक चल, शहर तक चल। हमारा उत्तर क्या हो गया, शहर तक चल। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ना नोटबुक लेना है, हमें हमारी एक कॉपी लेना है, नोटबुक मीन्स कॉपी लेना है। अब उसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, उस पे हम इस तरीके से लिखेंगे खालिस्तान भरो, फिर हम क्या करेंगे, हम एक लाइन छोड़ेंगे, उस पर डालेंगे नंबर वन, फिर हम हमारे जो हमने फर्स्ट खालिस्तान हमारा क्या था, मदन कलम पकड़, और फिर पूर्ण विराम, हम ये वाला खालिस्तान लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के हम नंबर टू डालेंगे, फिर लिखेंगे हम अमन बहस मत कर, और फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे, और फिर हमें क्या करना है,
ये पूरे पेज पर इसी तरीके से नंबर वन नंबर टू नंबर वन नंबर टू इस तरीके से लिख लिख कर हमें इन्हें देखना है और इन्हें याद करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज लेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न एक क्या कर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके नीचे लिखेंगे उत्तर एक नमन कर और फिर पूर्ण विराम। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें ये पूरा पेज भरना है, ठीक है। हमें प्रश्न एक क्या कर लिखना है और फिर उत्तर बार बार, जैसे उत्तर एक उत्तर एक उत्तर एक नमन कर नमन कर नमन कर, इस तरीके से पूरे एक पेज पर लिखना है और याद करना है, ठीक है। हमारे ये लिखने, हम मैं आपको ये क्यों लिखने दे रही हूं, ताकि आपको लिखना आए, आप लिखना सीखें और याद करें, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट पेज लेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे प्रश्न दो कहां तक चल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे उत्तर दो शहर तक चल, पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है, पूर्ण विराम लगाएं। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे उत्तर दो शहर तक चल, फिर से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे उत्तर दो शहर तक चल। इसी तरीके से हमें शहर तक चल वाले पूरी इस लाइन से हमें पेज भर देना है, ठीक है। अब हमारा होमवर्क टाइम, होमवर्क टाइम में जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, आपको कॉपी में इस तरीके से खालिस्तान और प्रश्न उत्तर पूरे पेज पर लिखना है, ठीक है, और याद भी करना है।